गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो चलो गाइस, आज हम बनाते हैं बिहारी स्टाइल अंडा करी। अब बनाएंगे बिहारी स्टाइल अंडा करी, तो मम्मी चलते हैं बनाने, तो देखते हैं इसकी कैसी रेसिपी होती है। तो मम्मी चलो बनाओ, चलो बनाते हैं, कितना बनाते हैं, ठीक है। तो गाइस, हम आ गए जो किचन में। तो हम 6 अंडे लिए हूँ, देखो इसको हम बॉईल करके और छील के अच्छे से रखी हूँ। देखो ली इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी लकड़ी और जीरा और तेज़पत्ता ली हूँ एक, और प्याज काट के रख ली हूँ देखो एक बड़ी इलायची, 3 गाँठे लहसुन के लिए हूँ, हरी मिर्च ली हूँ 2 और 2 लाल मिर्च ली हूँ सूखी हुई, और ये टमाटर का पेस्ट बना ली हूँ, 2 टमाटर को पेस्ट बना के रख ली हूँ। देखो अदरक ली और लहसुन, इसको भी पेस्ट बनाऊंगी। तो इसमें थोड़ा सा हम मसाला डालेंगे साबुत, तो थोड़ा सा जावित्री डाल दे रहे हैं और 1 इलायची डाल दे रहे हैं हरी और 2 लौंग डाल देंगे, 1 पड़े डाल दें और 1 किशमिश लेकर डाल दें, 2 लौंग डाल दें और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे आधा चम्मच, बस इतना ही हमें पीसना है और कुछ नहीं पीसना है। तो चलो इसको पीस लेते हैं फटाफट से। ये जो बड़ी इलायची ना, इसे तोड़ के डालना, बड़ी इलायची भी डाल दे रहे हैं, इसे खोल देंगे, खोल के इसे अंदर के इसके दाने होते हैं ना, इसको डाला जाता है, इसको डाल दे रहे हैं। अब इसको हम पीस लेंगे। तो इसको देखो, इसका पेस्ट बना ली हूँ, पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब इसको रखते हैं साइड में, इधर चलते हैं हम गैस जलाने। और इसमें अंडे में ना इसे हम सुराख कर दी हूँ, आप चाहे तो जो कांटे वाला चम्मच होता है उससे कर सकते हो, या ये कांडी लो, माचिस की कांडी, उसको से घुसा दी बीच में ताकि अंडे फटते नहीं इससे। अब हम गैस जला दे रही हूँ और कढ़ाई में पकाऊंगी। देखो कढ़ाई रख दी हूँ गैस पे, इसमें डाल देना सरसों का तेल, सरसों के तेल में ही पकाऊंगी हम। जब तेल गर्म होगा तब इसमें अंडे डाल दूँगी, और अंडे के ऊपर देखो थोड़ा सा हल्दी लगाई और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च रखी हुई, तो इसको डाल दी हूँ, इसको लगा दी हूँ हल्के से, इससे क्या होगा कलर देखने में अच्छा आएगा। जब अंडा फ्राई करने लगो ना, तो इसको लगातार चलाते रहना पड़ता है, इसको लगातार चलाते रहना चाहिए। और देखो हम आगे प्लेट लगा ली हूँ सामने पे चेहरे पे, ताकि हम अंडा फटे नहीं। देखो अंडा हमारा फ्राई हो गया, सारे अंडे को देखो हम प्लेट में निकाल ली हूँ, दो अच्छे से फ्राई हो गया ना, एकदम बिल्कुल गोल्डन गोल्डन दिख रहा है। अब इसको रख दे रहे हैं साइड में, और तेल देखो ज़्यादा तेल डालते हैं, इसमें हम तेल नहीं डालूंगी, अगर इसका फ्लेम थोड़ा धीमा कर दे रही हूँ। और जो गरम मसाला रखे थे ना, जीरा, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची और बड़ी छोटी इलायची, लौंग, ये सब एक साथ ही डाल दूँगी। दो सारी चीज़ों को हम डाल दे रहे हैं एक साथ, जब ये हल्का चटक जाएंगे, या 2 लाल मिर्च जो रखी थी सूखी उसको डाल दें, जब ये हल्का चटक जाए उसके बाद साबुत लहसुन डाल दे रहे हैं, इसको 2 मिनट चला देंगे इसे हल्का से, बस हल्का गोल्डन करना है, इसको ज़्यादा नहीं जला देना है कि जल जाए अंदर अंदर। अब ये सारी प्याज को डाल देंगे, 1 बड़ी साइज की प्याज को इसे स्लाइस में काट ली हूँ, इसको डाल दे रहे हैं, देखो इसको ऐसे डाल देंगे। तो दोस्तों वीडियो हमारी कैसे लगी, वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे लाइक करना, अगर चैनल पर आप नए हो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन दबा देना ताकि जो नई वीडियो डालें आप तक पहुँच जाए। तो देखो जो लहसुन और गरम मसाला पीस कर रखी थी, अदरक वो डाल दी हूँ, उसको 4 को धो के डाल दे रहे हैं, इसको देखो अच्छे से चला दे रहे हैं, इसको अच्छे से मिला देंगे। और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मसाला भूनते टाइम कभी भी गैस तेज़ नहीं रखनी चाहिए। देखो जो टमाटर का पेस्ट बना कर रखे थे ना, 2 टमाटर के, उसको भी डाल दी हूँ। अब इसमें डाल दे रहे हैं नमक, टमाटर डालते ही तो आपको पता है कि नमक डालना ज़रूरी होता है ताकि टमाटर हमारा जल्दी पक जाए। देखो नमक डाल दी हूँ, अब इसमें डालेंगे हम सूखे मसाले यानी ड्राई मसाले। देखो सबसे पहले डाल दें हल्दी पाउडर, उसके बाद डाल दें आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें 1 चम्मच, और 3 चम्मच भर के डाल दें धनिया का पाउडर। अब सारे मसाले को डाल दी, अब इसको हम अच्छे से मिलाऊंगी और इसको धीमी गैस पे मसाले को हम भूनूंगी। देखो इसको हम ऐसे चला दे रहे हैं, चला के इसको ढक के 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 2-3 मिनट के बाद देखो तेल इसमें देखो अलग होना शुरू हो गया ना, अभी इसको हम चला दे रहे हैं अच्छे से।
अब कभी भी मसाला पकाओ आप तो गैस धीमी रखना, गैस अगर धीमी धीमी मसाला पकता ना तो बहुत बेहतरीन मसाला पकता है और अच्छी खुशबू भी आती है। और ढक के पकाना चाहिए, खुला मसाला कभी नहीं पकाना चाहिए। देखो मसाला हमारा पक रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं हम थोड़ा सा गरम मसाला एक चम्मच भर के। आप इसमें ना चिकन गरम मसाला डाल सकते हैं। अब देखो मसाला हमारा बिल्कुल पक चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर और भूनेंगे, बस ज़्यादा नहीं भूनना इसको। इसमें से महक बहुत अच्छी आ रही है, एक बार आप ज़रूर इसको बना कर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर, बहुत अच्छा लगता है। ये बिहारी स्टाइल का ये एक करी। तब देखो मसाला भुन गया। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं जितने अंडे उबाल के रखे थे उसको डाल दे रहे हैं। इसको डाल के अच्छे से इसे मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उतना आप इसमें पानी डाल सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, एक बार डाल के थोड़ा सा मिला देंगे, देखते हैं कितना होता है ये गाढ़ा। बिल्कुल पानी नहीं बनाना है, थोड़ा गाढ़ा रहेगा तभी अच्छा रहेगा। इसमें दो हरी मिर्ची काट के डाल साबुत डाल दी हूँ और डाल के इसको अच्छे से चला देंगे। चला के ढक देंगे इसको, थोड़ी देर पकाएंगे, बस ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बहुत थोड़ी देर ही पकाएंगे। अब इसको एक बार खोल के दोबारा से चला दे रहे हैं एक बार कि देखिए वाह कितना मस्त दिख रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा दिख रहा है और खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन ही आ रही है। तो इसको अभी इधर चला दे रहे हैं, चला के इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल दे रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़े डालेंगे डाल के पत्ते को। और हम गैस को बंद कर दूंगे इसको हल्के से चला के। बस सब्जी हमारी पक के रेडी हो गई, बिहारी स्टाइल एक करी बन गई। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं। तो गाइस देखो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी, आज नई नई कढ़ाई में देखो हम इसमें सर्व करेंगे। आज पहले पहले दिन इसमें बिहारी स्टाइल एक करी, चलो निकालते हैं। वाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, तो चलो निकालना शुरू करते हैं। पहले इसको थोड़ा चलाएंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो भाई मस्त लग रहा है, मस्त 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 मस्त। वाह तेज पाती ना भाई, तेज पाती। तो देखो गाइस निकाल दिए हम इसमें एक अंडा, और दे रहे इसके अंदर भर गया कढ़ाई पूरी। तो गाइस देखो हम सर्व कर दिए हैं एक करी बिहारी स्टाइल। तो वीडियो हमारी कैसी लगी, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना भूलना मत, और अगर कुछ अच्छा लगे आपको तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर देना, बस इतना ही करना, बस और कुछ ज़्यादा नहीं करना। तो देखो बहुत ही बेहतरीन, तो एक बार आप हमारा तरीका ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलो देखते हैं साहिल खा के आपको बताता है कि कैसे लग रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं मम्मी ने हमारे अंडा करी बना लिया है, कहाँ बिहारी अंडा करी है ये, तो इसको चलिए खाते हैं अब हम। तो ठीक है इसको खा कर चेक करते हैं कि ये कैसा बना हुआ है। तो इसको करते हैं सबसे पहले बाइट। वाह गाइस मस्त बना हुआ एकदम, और खाते हैं। तो देखो साहिल खा रहे हैं, सर बताना कैसे लग रहा है। मस्त। देखो लहसुन भी, लहसुन को हाथ से तोड़ो, इसे तोड़ो इसे रोटी से। लहसुन बहुत अच्छा था इसे खाने में, वो कितना बेहतरीन लग रहा देखने में एकदम बिल्कुल। तो गाइस चलो अब रखते हैं हम लोग, हम भी खाना खाने चलते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय।